कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जैसा आप जानते हैं जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से आपका पूरा सीजीपीएससी का सिलेबस कवर करा रहे हैं। मैंने बताया था आपको जब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस होगा वो टोटल तीन पार्ट्स में कवर होगा। पहला पार्ट आपको है ना, पहला पार्ट जिसमें अपन लोग क्या करेंगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पूरा पढ़ेंगे। सेकेंड, उसी से कोरिलेटेड दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के अंतर्गत आता है। वो एक भाग हमारे पास ट्रेन का होता है और सेकेंड पोर्शन हमारे पास क्या होता है, बोट का, जिसको हम लोग इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा एग्जाम में आजकल क्या कर रहा है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को ट्रेन को सबको एक साथ मर्ज करके क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पहले ट्रेन को चालू करने से पहले कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये एक पोल है, आपके पास ये एक पोल है या फिर एक आपके पास आदमी है। ठीक है, ठीक है, आपके पास क्या है, मान लो आपके पास, मान लो मैंने बोला कि आपके पास ये एक पोल है और ये ट्रेन है, मान लो 100 मीटर लंबा। अब ये पोल को इस 100 मीटर लंबे ट्रेन को क्रॉस करने में कितना दूरी लगेगा, ये जब इसको क्रॉस करेगा यहाँ तक, जब इसको क्रॉस करेगा तो इसके द्वारा चली गई जो दूरी है ना वो ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, तो जब भी क्या करेगा, एक जो ट्रेन है वो पोल को और आदमी को क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये हमको बन जाएगा। ठीक, ये पहला चीज। दूसरा चीज, अब अगर मान लो सपोज मैं बोला कि ये एक ब्रिज है 200 मीटर लंबा और ये ट्रेन है 100 मीटर लंबा, ये ब्रिज 200 मीटर लंबा है और ये ट्रेन 100 मीटर लंबा है। अब जब क्या करेगा, इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए क्रॉस कब माना जाएगा, जब वो यहां पर पहुंच जाएगा तब होगा। तो ट्रेन उस टाइम में अपना डिस्टेंस जो 100 मीटर है वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ में ये जो आपका ब्रिज है उसका भी डिस्टेंस यहां पर क्या करेगा, चलेगा। ठीक है, तो कभी भी यहां पर क्या करेगा, जो आपका ट्रेन है मान लो वो आपको ब्रिज को है ना भाई, वो आपके पुल को या सुरंग को आपको जब भी यहाँ पर क्या करेगा, क्रॉस करेगा तो ये जो ट्रेन का लंबाई होगा ना और ये जो बीच का लंबाई होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उस चीज़ को याद रखना। ठीक है, ये हमारे पास पहला चीज़। ठीक, दूसरा जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड सापेक्ष। अगर मान लो दो ट्रेन है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से आएगा तो जल्दी मिलेगा, तो इसमें स्पीड क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, और जब क्या करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, जैसे यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड यहाँ पर क्या हो, प्लस हुआ। अब अगर सपोज दोनों सेम डायरेक्शन में इस तरीके से हुआ या इस तरीके से यहाँ पे जा रहा है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, स्पीड क्या होगा हमारे पास, माइनस होगा। ठीक, ये कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखना है ना। अब इसी के साथ क्वेश्चन पे आते हैं, हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 मीटर, खंबे को कितने सेकंड में पार कर रहा है, 24 सेकंड में, तो उसका स्पीड कितना हुआ, 240 बटे 24, 10 मीटर प्रति सेकंड उसका स्पीड हुआ। ये हमारा सबसे पहला काम। ठीक है, अब यही 240 मीटर लंबा जो ट्रेन है वो क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, कितना मीटर लंबा है, 650 मीटर लंबा है। इसीलिए अभी आप बताया था यहाँ पर, जब भी यहाँ पर क्या करेगा ट्रेन, एक जो ट्रेन है ब्रिज को है ना, ट्रेन को, पुल को, प्लेटफॉर्म को, ऐसा कोई भी चीज को यहाँ पर क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तो दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे हमारे पास डी कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस किए तो 890 हुआ, ये हमारा डिस्टेंस हुआ, ये हमारा स्पीड हुआ, तो टाइम कितना हो जाएगा, 890 अपॉन 10,
89 सेकेंड, ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल क्या होता है आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछ रहे थे। एक बार चेक कर लेते हैं। एक निश्चित गति से चलने वाली ट्रेन एक स्थिर इंजन को, एक स्थिर इंजन को 20 सेकंड में क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। स्थिर इंजन मतलब इंजन जो है ना वो आपका उसका स्पीड नहीं है, मतलब वो स्थिर है, मतलब उसका स्पीड जीरो है। इंजन की स्पीड यहाँ पर क्या दिया, मतलब जीरो हो गया, ठीक है। उसको क्या कर रहा है, उसको 20 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, उसको 20 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेन की गति जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी आवश्यक है, ठीक है, कौन सी जानकारी आवश्यक है, क्या केवल ट्रेन की लंबाई, ये अपने को दिया है क्या, नहीं, ठीक। दो चीज चाहिए आपको, समय दिया आपके पास, ठीक है, केवल ट्रेन की लंबाई, सिर्फ ट्रेन लंबाई से होगा क्या, नहीं, सिर्फ ट्रेन की लंबाई से क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा, लेकिन अपने को इंजन की लंबाई भी निकालना पड़ेगा, ठीक। सिर्फ इंजन की लंबाई नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका लंबाई भी निकालना पड़ेगा, और आपको इसका लंबाई भी देगा तभी हम लोग क्या करेंगे, अगर जब वो सपोज इसका आपको लेंथ देगा, जब आपको इसका लेंथ देगा तो लेंथ दिया और आपको समय दिया तो इससे यहां पर क्या होगा, इसका स्पीड निकल जाएगा, फिर अपन लोग क्या करेंगे, ठीक है, ठीक, ये भी हो सकता है आपको। तो आपने को सिर्फ यहां पर क्या देगा, ट्रेन का लेंथ देगा, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नहीं उससे होगा नहीं, तो आपको यहां से क्या निकलेगा, इससे देगा। अब अगर सपोज ये पोल को क्रॉस करेगा ना, पोल को क्रॉस करेगा तब यहां पर क्या करेगा, आपको सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इंजन को भी क्रॉस कर रहा है, इंजन को क्रॉस कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी लंबाई निकालना पड़ेगा, और आपको इसका लंबाई भी दिया रहेगा तभी निकल सकता है, इसीलिए ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इजी है ये, आपको क्वेश्चन बीच में इसलिए डाला गया ताकि आप लोग बेसिक भूल तो नहीं गए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको ना। एक सौ अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, कितना दिया अपने पास, 180 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है, तो मीटर प्रति सेकंड, तो 180 गुणित 5 बटे क्या हो जाएगा, 18, एक बार में 10 बार में तो कितना हो जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर है। रेलवे ट्रैक के किनारे 9 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ने वाला एक जॉगर उसी दिशा में 45 किलोमीटर चलने वाली 120 लीटर लंबी ट्रेन के इंजन से 240 मीटर आगे है। अच्छा, तो ट्रेन जॉगर को कितने समय में गुजारेगी, चलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या बताया, प्लस, सेम स्पीड यहां पर क्या होगा, माइनस, दोनों समान दिशा है तो 45 माइनस 9 कितना हुआ, 36 किलोमीटर पर आर। मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए इस 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, पुराना भूलना नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हुआ, 10 मीटर प्रति सेकंड। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको इसलिए डाला गया था ताकि आप बेसिक ना भूले और अपने, है ना, तो स्पीड कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन का लंबाई कितना है, 120 मीटर। इंजन से कितना ही खड़ा है, ये ट्रेन है आपका 120 मीटर और यहाँ पे आपके पास जॉगर है और वो इस इंजन से आपके पास कितना है, 240 मीटर और आगे है, तो मतलब उसको कितना कवर करना पड़ेगा, 307 मीटर कवर करना पड़ेगा 10 की स्पीड से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 36 सेकंड, ये हमारा आंसर। एकदम सिंपल सा तरीका बताऊंगा इसको, यहां पर मान लेते हैं एक आदमी खड़ा है, ये इसको पार कर रहा है, ये जो ट्रेन है ना इसको पार कर रहा है 27 सेकंड में, यहां से एक दूसरा ट्रेन है वो इसको पार कर रहा है 17 सेकंड में, ठीक, और दोनों एक दूसरे को पार कर रहे कितने सेकंड में, 23 सेकंड, ठीक। डिफरेंस एलिगेशन मेथड से कितना आया,
छः का यहाँ पर कितना आया, चार का, दोनों तीन से कटेगा, दो से कटेगा तीन बार में, दो बार में, ये हमारा आंसर है। क्लियर? सारे क्वेश्चंस को देखने, इसमें सारे क्वेश्चंस का समावेश है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पुल की लंबाई जिसे 130 मीटर लंबी, मान लेते हैं पुल x मीटर लंबा है, ट्रेन आपका 130 मीटर लंबा है, ठीक, चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना, चाहे वो सेम डायरेक्शन पे हो, जब दो अलग अलग हो तो तब रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, यहाँ पे ट्रेन इसको क्रॉस करेगा पुल को, तो जो डिस्टेंस है ना वो कितना बन जाएगा, 130 प्लस x, ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। स्पीड कितना दिया हुआ है, 45 किलोमीटर पर आर, मतलब 9 5 बार में 9 2 बार। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है, तो एस हमारे पास आ गया है 25/2 इंटू टाइम कितना आ गया है 30, दो एक बार में, दो 15 बार में, तो 130 प्लस एक्स बराबर 375, x बराबर 130 को माइनस किए तो 245, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर लिए मार्क। ट्रेन 100 मीटर लंबा है, प्लेटफॉर्म 125 मीटर लंबा है, तो d कितना हुआ, 225। t कितना दिया हुआ है, 15 सेकेंड। h इज इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन t, 15 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा आंसर। अब अच्छा, हमको स्पीड किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, एक बार में तीन बार में, 18 तिया क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन जो है, एक ट्रेन 100 मीटर लंबा है, दूसरा 200 मीटर लंबा है, और दोनों 100 मीटर की दूरी पर है, दोनों 100 मीटर की दूरी पर है, ये आपका 100 मीटर का लंबा ट्रेन है, और दूसरा जो है वो 200 मीटर लंबा ट्रेन है, और दोनों के बीच में 100 मीटर का दूरी है, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ना वो कितना हो गया, 400 मीटर, ये हमारे पास पहला काम है। स्पीड दिया हुआ 54 और 72 किलोमीटर, समांतर पटरी पर एक दूसरे की ओर बढ़ रहा, मतलब दोनों ऑपोजिट में, यहाँ पे स्पीड क्या होगा, प्लस होगा, तो उस कंडीशन पे एस हुआ 54 प्लस 72 बराबर 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा आया है। अब जब इसको मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 18 एक बार में 18 सात बार में, 7 × 5 कितना हुआ, 35, ये हम समझ गए, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमको यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर, अब हमको ये बोला है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे कितने पार करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास, 400 बटे कितना हुआ, 35, 5 से काटे 7 बार में, तो 80/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम इजी है। ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसीलिए मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किए। समय कितना दिया हुआ है, 9 सेकंड, 9 एक बार में 9 दो बार में, 2 एक बार में, 2 30 बार में, 30 × 5 150 मीटर, ये हमारा आंसर। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आजकल ज्यादा पूछ रहा आपको,
ठीक समय लेके बनाइए। हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में जब क्या करते हैं, पीछा करता है, चोर पुलिस का पीछा करता है ना, ये वो पैटर्न का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो। अच्छा, पहला जो है ना, एक ट्रेन 2 बजे निकल रहा है, कितने बजे? 2 बजे। किस स्पीड से? 70 की स्पीड से। दूसरा ट्रेन कितने बजे निकल रहा है? दूसरा ट्रेन निकल रहा है 3:30 बजे, मतलब 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटा बाद निकल रहा है। क्या स्पीड से? 85 की स्पीड से। तो इसका मतलब जब 3:30 बजा होगा, ये जो ट्रेन है ना, ये जो 2 बजे निकला है 70 की स्पीड से, 1.5 घंटा मतलब 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? 105 किलोमीटर। तो इसका मतलब जब ये 3:30 बजे निकल रहा होगा, तो ये वाला जो ट्रेन जो 2 बजे निकला है, वो 105 किलोमीटर आगे आ चुका होगा। ठीक है, ये 1 घंटे में 70 कवर कर रहा है, ये 1 घंटे में 75 कवर कर रहा है, इसीलिए इसका मतलब 1 घंटे में कितना कवर कर रहे हैं, जो ये है ये 70 चला और ये 85 चला, तो मतलब 1 घंटे में ये 15 एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 15 मीटर कवर कर रहा है जो आगे, 15 किलोमीटर कवर कर रहा है जो आगे गया है, तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर को कवर कर रहा है, और अब हमको 105 किलोमीटर को कवर करना है, तो कितने घंटे लगेंगे? 7 घंटे लगेंगे। ये 3:30 बजे के बाद 7 घंटे में, अगले 7 घंटे में क्या कर लेगा? उसको कवर पकड़ लेगा, तो मतलब टाइम कितना हुआ? 10:30 बजे वह उसको, दोनों ट्रेन आपस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा या उसको पकड़ लेगा। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में क्या करेगा आपको? कई बार क्या करेगा, जो आपका कार है ना, कार की जगह आपको ट्रेन दे देगा, और ट्रेन की जगह कार दे देगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है, पैटर्न फॉलो करना है बस। ट्रेन का लंबाई 110 मीटर और ब्रिज का 132 मीटर तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ दोनों प्लस किए तो? (242 मीटर, ठीक है, और उसका स्पीड कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब (5/18) एक बार में 4 बार, तो हमारे पास आया 20 मीटर प्रति सेकंड। और इस स्पीड को कितना कवर करना है? इसको कवर करना है 2 10 बार में, 2 121 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा? 12.1, ये हमारा आंसर। बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला, 360 और 140 कितना हुआ? 500 मीटर। स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 से 5 बार में, 9 से 2 बार में, 25/2, ये आ गया। अब डिस्टेंस दिया है 500, स्पीड दिया 25/2, तो कितना समय लगेगा? ऊपर जाएगा 25 एक बार में, 25 20 बार में, 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40, मतलब 40 सेकंड में वो उसे क्रॉस कर लेगा। ट्रेन का अंतिम क्वेश्चन है, फिर बोर्ड को स्टार्ट करेंगे। एक ट्रेन क्या कर रहा है? 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में क्या कर रहा है? तय कर रहा है। और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। तो आपको क्या निकालना? ट्रेन का लंबाई। 12 किलोमीटर मतलब कितना हुआ? 12,000 मीटर। 10 मिनट मतलब कितना सेकंड हुआ? 10 × 60। तो सिंपल सा हमारे पास क्या आया? 20 मीटर प्रति सेकंड। बहुत जगह एग्जाम में, बुक में क्या किया होगा आपको?
ये आपको इसको घंटे में कन्वर्ट किया होगा, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के बाद इसको 12 से डिवाइड करके 72 किलोमीटर प्रति घंटा लाया होगा, फिर इससे वहाँ पर क्या किया होगा मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट किया होगा, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच अपनाया है, ठीक है ना। अब स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ और यहाँ पर क्या दिया 6 सेकंड दिया, तो कितना लगेगा दूरी 120 मीटर, ये हमारा ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेन वाला पोर्शन, इतने क्वेश्चन होता है। और बाकी जैसे ट्रेन का आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन जो आपको होता है कि दो ट्रेन है, सपोज एक ट्रेन यहाँ से दिल्ली से निकला और एक ट्रेन यहाँ पर क्या हुआ पटना से निकला एक दूसरे की, और दोनों 500 मीटर की दूरी पर है या 500 किलोमीटर की दूरी पर है, इसका स्पीड इतना है इसका स्पीड इतना है, ये वाला क्वेश्चन हुआ। या सपोज दोनों मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, कितने बजे मिलेंगे, इस टाइप वाला जो क्वेश्चन होगा ना आपको, ये सारे क्वेश्चन आपके वहाँ पे क्या होगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वहाँ पर क्या कर चुके हम लोग कवर करा चुके हैं। तो टॉपिक्स को ना ये जो आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बोट्स और ट्रेन है वो सारा मिला के एक साथ करना, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या हो गया लेवल बढ़ गया तो आपको हर जगह मर्ज करके पूछने का आपको कोशिश करेगा, ठीक। तो जो अगला आपका है बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव हुआ, स्ट्रीमर हुआ, नाविक हुआ, मतलब जो भी चीज़ तैरता है ना वो सारा का सारा क्या काम करेगा नाव और धारा में, वो नाव का ही काम करेगा, ठीक है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स करने से पहले आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक। पहला आपका धारा, इस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रीम, ठीक। और आपको दूसरी बार यहाँ पर क्या दिया आपके पास दिया हुआ है नाव, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बोट, ठीक। दो चीज होता है, पहला होता है डाउन स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं धारा के अनुकूल या अनुप्रवाह या धारा के साथ। ऑब्वियसली अभी आपका पानी बह रहा है, मान लो पानी आपका इस साइड से बह रहा है, आपका पानी इस साइड से बह रहा है और आप इधर से तैरते हुए आ रहे हैं, तो आपको पानी यहाँ पर क्या करेगा आपको रोकेगा, तो आपका स्पीड यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। अब पानी भी ऐसा बह रहा है पानी ऐसा बह रहा है और आप भी ऐसा तैर रहे हैं, तो पानी आपको अपने साथ लेके जाएगा, तो आपका स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो जब आप पानी के साथ तैरते हैं या कोई वस्तु जो पानी के साथ साथ जब वो फ्लो में जाएगी उसी दिशा में जाएगा उसी सेम दिशा में, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, अनुकूल अनुप्रवाह और के साथ में। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है हमारे पास अपस्ट्रीम, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, मतलब ये क्या हुआ प्रतिकूल, या इसको क्या बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह, या इसको बोलते हैं धारा के विपरीत दिशा, ठीक है। मान लो आपके पास नाव का जो चाल है, आपके पास जो नाव दिया है नाव का जो चाल है वो एक्स है, धारा का जो चाल है वो आपका वाई है, ठीक है। नाव का चाल कितना दिया है एक्स का और धारा का चाल कितना दिया है वाई का, तो यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम चल रहा है ना अनुप्रवाह में, वहाँ पर स्पीड कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई होगा, और अपस्ट्रीम में यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई होगा, क्योंकि धारा के साथ जाएगा तो क्या होगा स्पीड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा प्लस हो जाएगा, और धारा के अगेंस्ट जाएगा तो स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। ये पहला। अब दूसरा आपको बोला है अनुकूल में डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड कितना दिया हुआ है डी, डाउन स्ट्रीम में कितना स्पीड दिया हुआ आपका स्पीड कितना दिया हुआ है डी, और अपस्ट्रीम में आपका स्पीड दिया हुआ है यू। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना दिया हुआ डी और अपस्ट्रीम में कितना स्पीड दिया हुआ आपका यू, उस कंडीशन में आपको बोलेगा
कि नाव का स्पीड निकालना है तो ये हो जाएगा डी प्लस यू बटे दो, ठीक। डी प्लस यू बटे क्या हो जाएगा, डी प्लस यू बटे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। और अगर बोलेगा आपको कि धारा का चाल निकालना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी माइनस यू डिवाइडेड बाई टू, ठीक। बाकी सब में फॉर्मूला स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में एक ही लगता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। ध्यान देख लो इसको, फिर क्वेश्चंस में आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आते हैं। ये कॉन्सेप्ट को सब ध्यान से रखे ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है पूरे बोर्ड सिस्टम में, आपके बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक व्यक्ति शांत पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि पानी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो व्यक्ति को धारा के विपरीत 6 किलोमीटर तैरने में कितना घंटा लगेगा। विपरीत मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अगेंस्ट में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। बोट का स्पीड कितना दिया हुआ है, 4, ठीक है। स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया हुआ है आपको, 2। विपरीत बोला है तो अपस्ट्रीम में मतलब प्रतिकूल में चाल कितना हो जाएगा, 4 - 2 = 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसे कितनी दूरी तय करनी है, 6 किलोमीटर, तो 6/2 उसे कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, ये हमारा आंसर। अनुकूल 10 घंटे में 100 किलोमीटर जा रहा है, तो अनुकूल में स्पीड कितना हुआ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। के विपरीत 75 किलोमीटर 15 घंटा, तो प्रतिकूल में विपरीत में क्या स्पीड हुआ, 10 + 5/2 = 7.5, ठीक। और अगर आपको बोलेगा कि धारा को निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 10 - 5/2 कितना हो जाएगा, 5/2 = 2.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम इजी है ये, बताया ना, इसी से रिलेटेड है। विपरीत में कितना दिया है, 6, अनुप्रवाह में धारा की दिशा में कितना दिया हुआ है, 6, ऑपोजिट में कितना दिया है, 4। अब अगर बोलेगा नाव का या आदमी का गति निकालने बोलेगा तो वो होगा 6 + 4/2, और अगर सपोज धारा का बोलेगा तो 6 - 4/2, 10/2 कितना हुआ, 5, और ये बोलेगा 2/2 कितना होगा, 1। पूछा किसका है, आदमी का, तो अपना आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में उसका स्पीड कितना दिया हुआ है, 4.5 किलोमीटर/घंटा तैर सकता है। धारा के प्रतिकूल तैरने में उसे धारा के अनुकूल तैरने की तुलना में दुगना समय लगता है, धारा का गति कितना है। धारा का गति ये हमको दिया हुआ है, नाव का गति कितना दिया है, 4.5, और धारा का हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अनुकूल में कितना हो जाएगा, 4.5 + x, प्रतिकूल में कितना हो जाएगा, 4.5 - x, इतना होगा। लेकिन क्या बोल रहा है, प्रतिकूल में धारा के अनुकूल जाने में क्या लग रहा है, दुगना समय लग रहा है। इसका मतलब अगर मान लो आपको यहाँ पर उसको 1 घंटा लगता है ना, तो यहाँ पर उसको कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा, क्योंकि दुगना बोला है और दोनों बार दूरी सेम है,
एक बार साथ में जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है। वापसी में क्या होगा, उसको धारा रोक रहा है, पानी रोक रहा है, इसलिए उसकी स्पीड यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो समय ज़्यादा लगेगा, बट डिस्टेंस दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पर एक से मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारे पास बना 4.5 प्लस एक्स इक्वल टू 9 माइनस 2x। इधर लेके आए तो कितना हुआ, 3x इक्वल टू 4.5, x इक्वल टू 4.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1.5। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रतिकूल में 25, अनुकूल में 35, शांत पानी में व्यक्ति का गति पूछा है, मतलब व्यक्ति गति नाव का गति बोलेगा, तो 25 प्लस 35 बटे 2, 60 बटे 2 कितना हो गया, 30। और अगर बोलेगा आपको पानी का स्पीड धारा का, धारा का बोलेगा तो पूछा क्या है, हमको व्यक्ति गति पूछा है, चलिए क्वेश्चन क्या बोला, यहां पर धारा के साथ अनुकूल में 30 किलोमीटर और प्रतिकूल में 18 किलोमीटर, अनुकूल में 30 किलोमीटर और प्रतिकूल में 18 किलोमीटर, दोनों बार उसको कितना घंटा लगा, 3 ही घंटा लग रहा है, ये 30 को करने में उसको 3 घंटा लगा, तो कितना स्पीड हुआ, अनुकूल में क्या स्पीड हो गया, अनुकूल में स्पीड कितना हुआ 10 का, और प्रतिकूल में उसका स्पीड कितना हुआ, प्रतिकूल में इसका स्पीड कितना हो गया 6 का। निकालना क्या है, व्यक्ति का गति निकालना है, तो 10 प्लस 6 बटे 2 16 बटे 2 कितना हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर। सेम वही क्वेश्चन है उस टाइप का, मतलब ये बोट्स और ट्रेन ना, वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का एक पोर्शन है, तो वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस मिला के ना आपको इसमें से कम दो क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में पूछता है, और बहुत बार आपको मर्ज करके पूछेगा भी कॉन्सेप्ट के साथ में। चलो 72 9 घंटा स्पीड 8 का, 45 9 घंटा स्पीड 5 का, धारा का निकालना है, आंसर ठीक क्या बोल रहा है, व्यक्ति की स्पीड कितना बोल रहा है, अपने पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, नाव का नदी का कितना दिया अपने पास, ये कितना दिया हुआ है 1.2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहा है, तो उसे एक स्थान तक जाने में और आने में कितना घंटा लग रहा है, एक घंटा लग रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है, ठीक। अच्छा कुल दूरी अपन लोग क्या मान लेते हैं, मान लो 1 आवर टू गो बैक एंड, ठीक है, चलो स्पीड आपको दिया हुआ है 6 और कितना दिया है 1.2, ठीक, अनुकूल में कितना हुआ 7.2, प्रतिकूल में ये कितना हो जाएगा, प्रतिकूल में ये आपके पास हो जाएगा, प्रतिकूल में ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास होगा 6 माइनस 1.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4.8। तो इसका मतलब x अपॉन 7.2 प्लस x अपॉन 4.8 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 1। दोनों का हमने LCM निकाला तो वो आया मेरे पास 14.4, ये तीन बार में और ये दो बार में, ठीक, तो ये हुआ 2x प्लस यहाँ पर कितना हुआ 2x प्लस यहाँ पर कितना हुआ 3x इक्वल टू 1, 5x बराबर कितना हुआ
5x इक्वल टू कितना हुआ 14.4 और x इक्वल टू 14.4 अपॉन 5। ठीक, तो 14.4 अपॉन यहाँ पर क्या किए 5 किए, डिवाइड किए तो ये आया 2.88। मतलब एक साइड का जो दूरी है ना, एक साइड का जो दूरी है वो 2.88 है, लेकिन वो आदमी आ रहा है और जा रहा है, तो मतलब वही दूरी 2.88 को दो बार कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.88 को अपन दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.76। ये हमारा आंसर होगा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट का दूरी है ना, नाउ 6 किलोमीटर तक जा रहा है और वहाँ से वापस आ रहा है, ऐसा करने में उसे टोटल 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, धारा का स्पीड, स्पीड ऑफ स्टीम कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा अपने को दिया है, तो अपने को क्या निकालना है, शांत पानी में नाव का गति निकालना है। तो ऐसा मान लेते हैं कि बोट का स्पीड को अपन लोग क्या ले लेते हैं x। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल में, डाउन स्ट्रीम अनुकूल में स्पीड कितना हो जाएगा x+4। अपस्ट्रीम मतलब प्रतिकूल में, ये अनुकूल हुआ और ये प्रतिकूल हुआ, प्रतिकूल में यहाँ पर क्या हो जाएगा x-4। अब वो क्या कह रहा है कि जाने और आने में कितना घंटा लग रहा है 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, मतलब 6/x+4+6/x-4 बराबर यहाँ पर कितना लग रहा है हमारे पास, हमको यहाँ पर कितना लग रहा है 2 घंटा हमको लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, मान लो सपोज हम इसको वर्क सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर नीचे में यहाँ पर क्या होगा a+b और a-b, तो यहाँ पर नीचे में क्या होगा a²-b² वर्ग समीकरण बनेगा, सॉल्व करने में थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा थोड़ा सा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं ना, ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, हम उन सारे ऑप्शंस को यहाँ पर रख के देखते हुए चलते हैं। ठीक, एक अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पर क्या दिया 4, तो मतलब वो जो संख्या होगा ना 4 के पहाड़े में आएगा। ठीक, लॉजिक लगाते हैं, तो 10 और 21 को हम छोड़ देते हैं, तो बचा कितना 8 और क्या हुआ 12, तो 8 को रख के चलते हैं। तो 6/ हमने x को 8 रख के चला है मान लो पहले, तो 8 और 4 कितना हुआ 12, और 6/8 में से 4, तो ये हुआ 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा अपने पास, 8 में से 4 गया तो 8-4 तो कितना बचेगा अपने पास 4, तो ये मेरे पास हुआ 1/2+3/2 बराबर कितना हुआ 4/2, कितना हो गया 2। तो ये 8 इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए 8 हमारा आंसर आएगा। अगर सपोज 8 में नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे, 12 से आप लोग क्या करेंगे चेक करेंगे। ठीक, अब अगर ये दोनों से भी नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसको 10 और 21 को हम लेके चलेंगे। नाव का गति कितना दिया हुआ है शांत पानी में 4.5 किलोमीटर, नदी का कितना दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। तो जब वो धारा के साथ अनुकूल में गया तो उसका चाल कितना हुआ, ठीक है, धारा के साथ साथ वो बह रहा है तो कितना हुआ 6। अब जब वो धारा के अगेंस्ट गया प्रतिकूल में, वहाँ पर कितना हुआ 4.5-1.5 = क्या हो जाएगा 3। तो मैं ये बोल सकता हूँ एक व्यक्ति 6 की स्पीड से जा रहा है और वापस 3 की स्पीड से आ रहा है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा, वो हमको याद है 2×x×y/x+y, नीचे हुआ 9, 3 1 बार में 3 2 बार में 2 दूनी कितना हुआ 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
सारे क्वेश्चन आपको बीच बीच मिक्स किया हो, इजी, मॉडरेट, बेसिक, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होते रहे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे। एक धारा की धारा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक मोटर बोट की धारा के विपरीत 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, ठीक है, और 12 घंटे में शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाता है, ठीक। तो शांत पानी में मोटर गति का क्या निकालना, मोटर की गति निकालना, ठीक, सही है। आपको ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आपको ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 35 किलोमीटर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। धारा का चाल कितना दिया हुआ है, धारा का चाल आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल में कितना हो जाएगा, मान लेते हैं जो नाव है उस नाव का चाल हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ठीक। अनुकूल में कितना हो जाएगा, x प्लस वन, प्रतिकूल में कितना हो जाएगा, x माइनस वन। तो कंडीशन बोल रहा है अनुकूल जाने में और प्रतिकूल आने में उसे कुल कितना घंटा लग रहा है, 12 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो हमको ये पता करना है कि यहाँ पर उसका किसका स्पीड, धारा का स्पीड क्या होगा। फिर सेम वही हम उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जब उसको हम सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही वर्ग समीकरण आ जाएगा। ऑप्शन रख के चलते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है, 6, तो अगर 6 रखे तो 6 कितना हुआ, 7, 7 एक बार में, 7 5 बार में, 6 में से 1 गया तो कितना हुआ, 5, 5 एक बार में, 5 7 बार में, 5 प्लस 7 कितना हुआ, 12, जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर सपोज पहले वाले से नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को रखेंगे, फिर क्या करेंगे, तीसरे वाले को सेम उसी वे में हम चेक करते रहेंगे। एक आदमी द्वारा अपनी नाव को धारा के विपरीत दिशा में चलाने के लिए लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी तक चलाने के लिए समय से क्या दिया अपने पास, 2 घंटे, यदि शांत जल में नाव की गति कितना दिया, 42 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का गति निकालना, याद होगा आपको। आपको नाव का जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा मान लेते हैं धारा का जो गति है ना वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुकूल में कितना हुआ, 42 प्लस x, प्रतिकूल में कितना हुआ, 42 माइनस। तो यह आपको बोला है कि अनुकूल जाने में प्रतिकूल से यहां पर क्या लग रहा है, दुगना समय, सॉरी, प्रतिकूल जाने में अनुकूल से क्या लग रहा है, दुगना समय लग रहा है। दूरी वही है, वही दूरी जा रहा है, वही दूरी आ रहा है, बस एक बार अनुकूल दिशा में आ रहा है और एक बार प्रतिकूल दिशा में। तो ऑब्वियसली प्रतिकूल दिशा में यहां पर क्या होगा, उसको समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो समय यहां पर उसको कितना लग रहा है, 2 गुना लग रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 गुना बोल रहा है तो 1 का तो मतलब ही नहीं है। तो 42 प्लस x बराबर 84 माइनस यहां पर कितना हुआ, 2x, ठीक है। इसको इधर लेके आए और इसको इधर लेके गए, 3x बराबर 42, x बराबर 42 बटे 3 कितना हुआ, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको दिया है एक आदमी 4 घंटे, क्या बोल रहा है आपको, 4 घंटे धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर चला सकता है, मतलब कुल 4 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के साथ और 20 किलोमीटर धारा के विपरीत चला सकता है 4 घंटे में, और 7 घंटे में 45 किलोमीटर धारा के अनुकूल और प्रतिकूल में कितना कर रहा है अपने पास, कितना किलोमीटर और प्रतिकूल, 40 किलोमीटर, सॉरी तो सो गया, प्रतिकूल 40 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं अनुकूल में जो स्पीड है ना उसको हम ले लेते हैं x, प्रतिकूल में जो स्पीड है उसको ले लेते हैं y। अनुकूल मतलब धारा का और नाव का दोनों का मिला के, प्रतिकूल मतलब दोनों को घटा, ठीक। 4 घंटे में अनुकूल 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रतिकूल, 30 बटे x प्लस 20 बटे y बराबर कितना जा रहा है,
चार। दूसरा कंडीशन यहाँ पर 45 बटे एक्स प्लस 40 बटे वाई बराबर कितना हुआ? 7। ठीक है ना, ये दिया हमारे पास 7। ठीक, अब अगला कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, तो इधर पे देखिए लघुत्तम क्या हुआ? एक्स वाई। लघुत्तम यहाँ पर क्या हुआ? एक्स वाई। ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 30y प्लस 20x बराबर कितना बचा? 4। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ? ऊपर में यहाँ पर देखा तो ये दोनों को देखा तो मैं बोल सकता हूँ कि 30y प्लस 20x बराबर 4xy, और नीचे बोल सकता हूँ 45y प्लस 40x बराबर 7xy। यहाँ पर 20 है और यहाँ पे 40 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई के इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों 40-40 बराबर हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 60y प्लस 40x बराबर 8xy, और नीचे में हो जाएगा 45y प्लस 40x बराबर 7xy। कैंसल हुआ माइनस किए तो यहाँ बचा 15y और यहाँ पर बचा 1xy। वाई वाई कैंसल तो x कितना आ गया? 15। x कितना है हमारे पास? 15। x का वैल्यू कितना आ गया? 15। अब अगर सपोज मान लो 15 को हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो 45 बटे 15 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 40 बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो 40 बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा? 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4। एक बार में 10 बार में तो वाई कितना हो जाएगा? 10। तो अनुकूल में जो है, अनुकूल में कितना हुआ आपका स्पीड? अनुकूल में हुआ 15, प्रतिकूल में स्पीड कितना हुआ? 10। किसका निकालना है? शांत जल में आदमी का गति निकालना है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 10 बटे 2, 25 बटे 2, 12.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से पानी चला सकता, नाव चला सकता है। उसे ए से बी तक जाने में और वापस आने में कुल 4.5 घंटे लग रहे हैं। ठीक, 4.5 घंटा मतलब कितना हुआ? 9/2। धारा का गति कितना दिया हुआ है? धारा का गति दिया हुआ है मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नाव का दिया हुआ है 9 और धारा कितना दिया है? 1। अनुकूल में कितना हुआ? अनुकूल में चाल हुआ 10, प्रतिकूल में चाल कितना हुआ? 8। ठीक, बोल क्या रहा है? बोल ये रहा है कि ए से बी तक जाने में और वापस आने में 9/2 घंटा लग रहा है। ठीक, 9/2 घंटा, चलो ठीक है भाई। दूरी कितना मान लेते हैं? दूरी मान लेते हैं x। ठीक, तो x बटे 10 प्लस एक्स बट्टे 8 बराबर आपको कितना चाहिए? 9/2 घंटा। ठीक है भाई, कितना घंटा चाहिए आपको? 9/2 घंटा चाहिए। 25 तो आपका होगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि आपका विषम संख्या है। ठीक, क्योंकि 10 और 8 देख के समझ में आ रहा है कि सम संख्या। 32 रख के चलते हैं। 32/10 प्लस 32/8, 8 एक बार में, 8 4 बार में, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो 28 रख के चलते हैं। ये दे ना 4.5 घंटे। 28/10 प्लस 28/8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ से हम देखें तो 2 से काटे 14 बार में, 2 से काटे 5 बार में, 2 से काटे 4 से काटे 7 बार में, 4 से काटे 2 बार। लघुत्तम कितना हुआ? 10। 5 से भागित कितना है? 2। 14 × 2 कितना हुआ? 28। इससे भागित कितना? 7 × 5 = 35। तो 63/10
ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर, अनुकूल 24 किलोमीटर चार घंटे में तय कर लेता है, तो अनुकूल में स्पीड कितना हुआ? छह किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल में समान दूरी तय करने में यहां पर क्या होता है, छह घंटा लग रहा है, प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, 24/6 कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर शांत जल में नाव पूछा है, क्या पूछा है आपको, शांत जल में नाव का गति, तो 6 + 4/2 10/2 कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा आंसर दिया है क्या 5, ये आपको नहीं दिया है तो डाटा इनएडिक्वेटरी, सॉरी यहाँ पे कर लेंगे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको बोल रहा है एक नदी में एक आदमी को धारा के विपरीत 3 किलोमीटर या धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं, या तो 3 किलोमीटर धारा के विपरीत और अनुकूल, यहाँ पर ये लग रहा है। अच्छा, अनुकूल में क्या कहानी बोल रहा है, अनुकूल में बोल रहा है कि 15 किलोमीटर जा रहा है कितने घंटे में, 3 घंटे में, तो अनुकूल में स्पीड कितना हुआ, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल में यही आपको बोल रहा है वो कितना लग रहा है, प्रतिकूल में यही 3 घंटे में 3 किलोमीटर तय कर रहा है, तो कितना हुआ, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास, ठीक। धारा का गति निकालना है, सिर्फ धारा गति बोलेगा तो 5 - 1/2 ये हो जाएगा 4/2, तो कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर, ठीक। तो इतने क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जो आपका बोट्स एंड स्ट्रीम्स हुआ, ट्रेन हुआ, और ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है, तो जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट वन जो है, पार्ट वन और पार्ट टू जो आपका ट्रेन और बोट है, वो सारा मिला के समअप करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट टॉपिक बनेगा। और याद रखिएगा, हर एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछते हैं, MCQ के माध्यम से आपको बताया इसलिए जा रहा है ताकि आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा आपको कहीं पर पढ़ना ना पड़े, ये पहला बेनिफिट आपको, और सिर्फ पिन पॉइंट एग्जाम में आपको जो एग्जाम्स पूछने की संभावना है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को इकट्ठा करें, और बहुत सारा ढेर सारा आपको वेस्ट पढ़ने से बचने से क्या करेगा, आपको बचाएगा। और मेन बात, जब आपका एग्जाम होने वाला होगा इस क्विक टाइम में, क्विक रीजन के बहुत काम आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक